नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कंपटीशन कम्युनिटी की ऑडियो लेक्चर श्रृंखला की अगली कड़ी में। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 16 नवंबर 2022 में घोषित सड़क सुरक्षा मितान अभियान के परिप्रेक्ष्य में छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ सालों में हुए अभियानों के बारे में। मैं हूँ परितोष जायसवाल। जब संसाधनों के साथ संवेदनाएं जुड़ जाती हैं, तो संसाधन सेवा का उत्तम माध्यम बन जाती हैं। और जब सरकार संवेदनशील होती है तो उसका बड़ा लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग को होता है। अगर सरकारी प्रयास के साथ जन भागीदारी भी जुड़ जाए तो किसी भी सरकारी अभियान को सफल बनने की चिंता कम हो जाती है। प्रयास जब पूरे मन से होलिस्टिक अप्रोच के साथ किया जाता है तो उसके परिणाम भी उतने ही बहुआयामी होते हैं। आज छत्तीसगढ़ सरकार अपनी विभिन्न योजनाओं तथा योजनाओं के इतर अभियानों के साथ संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह सुशासन देने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। छत्तीसगढ़ शासन का प्रयास प्रदेशवासियों को गुड गवर्नेंस दिलाना, रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध करवाने के साथ प्रदेश को उन्नति के शिखर तक पहुंचाना है। किसी भी सरकारी योजना तथा लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जहाँ एक ओर जरूरी है प्रशासनिक दक्षता, तो वहीं दूसरी ओर जनता की स्वीकार्यता भी उतना ही महत्व रखती है। इसी कड़ी में 16 नवंबर 2022 को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा सड़क सुरक्षा मितान अभियान का प्रारंभ किया गया। आज इस ऑडियो आर्टिकल के माध्यम से हम जानेंगे छत्तीसगढ़ में प्रचलित विभिन्न अभियानों के बारे में, जिनमें शामिल होंगे एनीमिया मुक्त बस्तर अभियान, हर घर हरियाली अभियान, सक्षम बिटिया अभियान, सिगड़ी दान अभियान, नव जीवन अभियान, साइबर मितान अभियान, सांस अभियान, स्पंदन अभियान, निजात अभियान, आसरा अभियान, हिम्मत अभियान, कृष्ण कुंज अभियान, रोका छेका अभियान, संवेदना अभियान, सड़क सुरक्षा मितान अभियान, हमर लक्ष्य अभियान, इसके साथ टीका तुहर दुआरी अभियान, मोर जिम्मेदारी अभियान, पोदला उरस्कना अभियान तथा टेक बैक योर प्रॉपर्टी अभियान। दोस्तों याद रखिएगा, ये अभियान भिन्न भिन्न समयों पर भिन्न भिन्न विभागों द्वारा अलग अलग उद्देश्यों की पूर्ति के लिए चलाए गए थे। आइए देखते हैं अभियानों की ये श्रृंखला अगली 3 कड़ियों में आएगी। इस ऑडियो आर्टिकल में हम शुरुआती 20 अभियानों की चर्चा करेंगे, अगली कड़ी में 20 अन्य तथा उसकी अगली कड़ी में 22 अभियानों की चर्चा होगी। इस प्रकार कुल 60 से अधिक अभियानों की चर्चा हम इन 3 ऑडियो आर्टिकल्स के माध्यम से करने वाले हैं। पहला, एनीमिया मुक्त अभियान। कोंडागांव जिले को एनीमिया मुक्त करने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। इस विशेष कार्यक्रम को सहयोग यूनिसेफ द्वारा प्रदान किया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष देवचंद मातलाम तथा कलेक्टर श्री दीपक सोनी जी ने इस अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के पहले चरण में 15 से 25 वर्ष की युवतियां तथा दूसरे चरण में गर्भवती महिलाओं को शामिल किया गया। प्रत्येक 2 माह में रक्त जांच कर हीमोग्लोबिन की मात्रा चेक की जाएगी। सभी स्कूलों, कॉलेजों, छात्रावासों एवं संस्थाओं को विशेष ध्यान देते हुए रिकॉल पद्धति से पोषण स्तर पर कार्य किया जाएगा। साथ ही कुपोषण की जानकारी हेतु विशेष सुपोषण कक्षाएं भी लगाई जानी सुनिश्चित की गई है। दूसरा, हर घर हरियाली अभियान। रायपुर जिले में हरियाली प्रसार के लिए पहले सावन सोमवार यानी 18 जुलाई 2022 से वृक्षारोपण महाअभियान प्रारंभ किया गया। इस अभियान के तहत उपयोगिता और स्थान के अनुसार पौधे लगाए जाने सुनिश्चित किए गए। सार्वजनिक स्थानों, सरकारी भवनों, स्कूलों, उद्योगों, आंगनबाड़ी केंद्रों, रिहायशी इलाकों में जहां फलदार तथा छायादार पेड़ लगाए जाएंगे, तो सड़क किनारे और डिवाइडर्स पर प्रदूषण शोषक पौधे लगाए जाने का प्रावधान किया गया। इस वृक्षारोपण महाअभियान की शुरुआत सूबे के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने अपने निवास स्थान पर रुद्राक्ष के पौधे के रोपण के साथ शुरुआत की। तीसरा, सक्षम बिटिया अभियान। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस यानी 11 अक्टूबर 2022 से इस अभियान की शुरुआत की गई। कोरबा जिला प्रशासन तथा जिला शिक्षा विभाग कोरबा के सहयोग से आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत नीति आयोग की सहयोगी संस्था पिरामल फाउंडेशन ने बालिकाओं के सामाजिक, नैतिक और भावनात्मक विकास के लिए सक्षम बिटिया अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के उप अभियान के अंतर्गत अपने द्वार पर मेरी बेटी मेरा आईना लिखकर अभियान को सक्षम बनाने का दृढ़ निश्चय किया गया। चौथा, सिगड़ी दान अभियान।
शहर की झुग्गी बस्तियों में सिगड़ी जलने से होने वाले प्रदूषण का सबसे ज्यादा असर लोगों विशेषकर महिलाओं के स्वास्थ्य पर पड़ता है। कोरबा शहर को स्मोकलेस बनाने के लिए सिगड़ी दान अभियान प्रारंभ किया गया। कोरबा शहर को कोयला जलाने से निकलने वाले धुएं से मुक्ति दिलाने के लिए विशेष अभियान प्रारंभ किया जा रहा है, जिसे सिगड़ी दान अभियान का नाम दिया गया। अभियान के पहले चरण में कोरबा शहर में कोयला जलाने से होने वाले धुएं से प्रभावित इलाकों की पहचान की जाएगी। तत्पश्चात दूसरे चरण में सर्वे से प्राप्त निष्कर्षों एवं जानकारियों के आधार पर कोयला जलाने से उठने वाले धुएं को रोकने के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार कर उस पर अमल किया जाना सुनिश्चित किया गया। पांचवा, नवजीवन अभियान। 2015 में हुए एक सर्वे के अनुसार छत्तीसगढ़ प्रदेश देश भर में होने वाली आत्महत्याओं के मामले में चौथे स्थान पर है तथा छत्तीसगढ़ में महासमुंद में सर्वाधिक आत्महत्याएं होती थीं। 2017 से 2019 तक लगभग 692 लोगों ने आत्महत्याएं की। महासमुंद जिले में आत्महत्या की दर में कमी लाने के उद्देश्य तथा उसकी रोकथाम के लिए जिला प्रशासन ने ग्राम संकुल विकासखंड तथा जिला स्तर पर विशेष अभियान नवजीवन अभियान की शुरुआत की। 10 जून 2019 को इस अभियान की शुरुआत तत्कालीन महासमुंद कलेक्टर श्री सुनील जैन साहब ने की थी। अभियान के तहत हर पंचायत स्तर पर नवजीवन केंद्र शुरू किए गए, जिसके लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से लेकर शिक्षकों को इसके लिए प्रशिक्षण दिया गया। छठवां, साइबर मितान अभियान। डिजिटल दुनिया में प्रवेश के साथ ही चुनौतियां और अपराध भी डिजिटल हो चुके हैं। कोरोना काल में साइबर ठगी की एक बाढ़ सी आ गई। इसी चुनौती से निपटने के लिए बिलासपुर पुलिस ने 10,000 से अधिक वॉलंटियर्स के माध्यम से इस अभियान की शुरुआत की, ताकि लोगों में साइबर जागरूकता बढ़ाई जा सके। लोगों में साइबर ठगी के प्रति जागरूकता लाने के लिए पुलिस और सामाजिक संगठनों ने साइबर मितानों को तैयार किया। लोगों को हमेशा जागरूक बने रहने के लिए संकल्प कार्ड भी भरवाया गया। 2 सितंबर 2020 को प्रारंभ हुआ यह अभियान 8 सितंबर 2020 तक चला। सातवां, सांस अभियान। निमोनिया से बचाव के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से निमोनिया दिवस के अवसर पर जिला चिकित्सालय दुर्ग द्वारा विशेष अभियान की शुरुआत की गई, जिसे सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली यानी सांस नाम दिया गया है। यह अभियान 14 नवंबर 2022 से 28 फरवरी 2023 तक चलेगा। इस दौरान विभिन्न माध्यमों से निमोनिया के कारण, लक्षण तथा इसके उपचार के उपायों का प्रचार किया जाएगा तथा बच्चों को न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन लगवाने पर भी जोर दिया जाएगा। आठवां, स्पंदन अभियान। छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा अपने कार्मिकों को मानसिक तनाव तथा डिप्रेशन से बचाने के लिए एक विशेष अभियान स्पंदन प्रारंभ किया गया, जिसके तहत परामर्श सत्र, संगीत और योग थेरेपी की व्यवस्था की गई। इस अभियान का उद्देश्य पुलिस बल को डिप्रेशन और तनाव से बचाने के लिए कदम उठाने का था। यह कदम राज्य में 2 जून 2020 से प्रारंभ किया गया था। नौवां, निजात अभियान। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ निजात अभियान प्रारंभ किया गया। इस अभियान के माध्यम से नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है तथा लोगों को नशे की लत छोड़कर सामान्य जीवन जीने के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है। कोरिया पुलिस प्रशासन की पहल पर बैकुंठपुर शहर में 50 बिस्तरों वाला नशा मुक्ति केंद्र भी स्थापित किया गया है। दसवां, आसरा अभियान। छत्तीसगढ़ में बेसहारा घुमंतू बच्चों को शिक्षा, सहायता तथा सहारा देने के उद्देश्य से बिलासपुर हाईकोर्ट सामने आया। कोर्ट के निर्देश पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आसरा अभियान चलाया जा रहा है। हाईकोर्ट के निर्देश पर सालसा के अधिकारी इन घुमंतू बच्चों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं और बच्चों से मिलकर शिक्षा के लिए जागरूक भी कर रहे हैं। महानगरों के लिए 36,000 रुपए प्रतिवर्ष, ग्रामीण क्षेत्रों में 24,000 तथा अन्य नगरों के लिए 33,000 रुपए प्रतिवर्ष वार्षिक आय वाले परिवारों के लिए आसरा अभियान की पात्रता होगी। पात्रता की श्रेणी में आने वाले अधिकतम 2 बच्चों को प्रतिमाह 2,000, 2 से अधिक बच्चे होने पर बालिकाओं को प्राथमिकता तथा 4 से अधिक बच्चे वाले परिवारों को इस अभियान की सहायता नहीं दी जाएगी। ग्यारहवां, हिम्मत अभियान। हिम्मत अभियान सरगुजा पुलिस की एक नवाचारी पहल है, जिसमें छात्राओं को कॉम्बेट द्वारा आत्मरक्षा के गुर सिखाए जाएंगे।
स्कूली और महाविद्यालयीन छात्रों को आत्मरक्षा सिखाने की शुरुआत 28 फरवरी 2022 से की गई। यह अभियान 10 दिनों तक चलना तय किया गया। छात्राओं को विशेष प्रशिक्षित टीम द्वारा सेल्फ डिफेंस भी सिखाया गया। 12वां कृष्ण कुंज अभियान। छत्तीसगढ़ में पर्यावरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 19 अगस्त 2022 कृष्ण जन्माष्टमी के दिन से कृष्ण कुंज वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की गई। छत्तीसगढ़ के सभी नगरीय क्षेत्रों में कृष्ण कुंज विकसित किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सभी जिले कलेक्टरों को कृष्ण कुंज विकसित करने के लिए वन विभाग को न्यूनतम 1 एकड़ भूमि आवंटन का भी निर्देश दिया गया। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चलाई जा रही कृष्ण कुंज योजना के तहत 2022 की जन्माष्टमी को 121 नगरीय क्षेत्रों में पौधारोपण किया गया था। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने जन्माष्टमी के अवसर पर राजधानी रायपुर के तेलीबांधा स्थित कृष्ण कुंज में स्वयं वृक्षारोपण कर इस महत्वाकांक्षी योजना की पूरे प्रदेश में शुरुआत की। प्रदेश भर में कुल 162 कृष्ण कुंज विकसित किए जा रहे हैं। छात्रों को यहां ध्यान रखना होगा कि कहीं कहीं यह 169 कृष्ण कुंज भी दिखाया गया है। 13वां रोका छेका अभियान। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में मवेशियों को नियंत्रण में रखने की पुरानी परंपरा रोका छेका अभियान को पूरे प्रदेश में लागू किया है। इस परंपरा में अहम भूमि सरपंच सहित कोटवार, पटेल, यादवों की रहती है। इस परंपरा के तहत एक ओर जहां किसानों के फसल को नुकसान से बचाया जा सकता है, वहीं मवेशी भी सुरक्षित रहते हैं और दुर्घटना की आशंका भी कम हो जाती है। यह परंपरा गांवों की परंपरा रही है, लेकिन इस योजना के माध्यम से इस योजना का विस्तार अब नगरों तक भी कर दिया गया। 2020 में यह अभियान 19 से 30 जून तक, 2021 में 1 जुलाई से तथा 2022 में रोका छेका अभियान 10 जुलाई 2022 से 20 जुलाई 2022 तक चला। रोका छेका राज्य की पुरानी परंपरा रही है, जिसके माध्यम से पशुपालक अपने पशुओं को खुले में चराई के लिए नहीं छोड़ने का संकल्प लेते हैं, ताकि फसलों को नुकसान ना हो। पशुओं को अपने घरों, बाड़ी और गौठानों में ही रखा जाता है और उनके चारे और पानी का प्रबंध किया जाता है। 14वां संवेदना अभियान। अगस्त 2020 में सारंगढ़ जिले के पुसौर, सारंगढ़ और कोसीर क्षेत्र के दर्जनों गांव तथा हजारों ग्रामीण रायगढ़ के आसपास हुई भारी बारिश से बाढ़ की जद में आ गए। पुलिस अधीक्षक रायगढ़ द्वारा जन सहयोग से बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए जीवनोपयोगी तथा पुनर्वास के सामानों को एकत्र करने संवेदना अभियान चलाया गया। इस अभियान को गवर्नेंस नाउ द्वारा आपदा प्रबंधन कैटेगरी में दूसरी इंडिया पुलिस अवार्ड 2022 से भी सम्मानित किया गया। अभियान में रायगढ़ के लोगों, संस्थाओं और पुलिस कर्मियों ने पूरी तन्मयता के साथ लोगों की मदद, रायगढ़ जिले को इस भयानक मानवीय तथा प्राकृतिक त्रासदी से उबारने में मदद की। 15वां सड़क सुरक्षा मितान अभियान। छत्तीसगढ़ में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और यातायात के नियमों का पालन कराने के लिए सड़क सुरक्षा मितान के रूप में एनसीसी, एनएसएस के साथ भारत स्काउट गाइड्स के कैडेट्स और छात्र छात्राओं की भी मदद ली जाएगी। इसके तहत एनसीसी के 25,000 कैडेट्स, एनएसएस के लगभग 1,03,000 और भारत स्काउट गाइड्स के 3.25 लाख छात्र छात्राओं की स्वयं सेवी सेवा का लाभ उठाया जाएगा। इसमें अति दुर्घटना जन्य 7 जिलों, जिनमें शामिल है रायपुर, राजनांदगांव, रायगढ़, बिलासपुर, दुर्ग, कोरबा तथा जांजगीर और चापा के साथ अन्य जिलों में जागरूकता कार्यक्रमों, यातायात व्यवस्था में सहयोग तथा दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को मदद के लिए इन मितानों की सहायता ली जाएगी। 16वां हमर लक्ष्य अभियान। कांकेर जिले में शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर करने के लिए हमर लक्ष्य अभियान शुरू किया गया है। कार्यक्रम का उद्देश्य शैक्षणिक गुणवत्ता के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करने, स्कूल में प्रेरणादायी वातावरण निर्मित करने, विद्यार्थियों की अनुपस्थिति को शून्य स्तर तक लाने तथा स्कूलों में रेमेडियल तथा अतिरिक्त क्लास लगाने के लिए शिक्षकों तथा प्राचार्यों को प्रोत्साहित करना था। 17वां टीका तुहर दुआरी अभियान। कवर्धा जिले में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में 100% लोगों का कोविड टीकाकरण कराने के उद्देश्य से टीका तुहर दुआरी नाम से विशेष अभियान प्रारंभ किया गया है। 18वां मोर जिम्मेदारी अभियान।
7 सितंबर 2021 को छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्री सिंहदेव ने अपने निवास कार्यालय से यूनिसेफ तथा अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से मोर जिम्मेदारी अभियान प्रारंभ किया, जिसका उद्देश्य प्रदेश में 100% वैक्सीनेशन, कोरोना व्यवहार के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए यह अभियान शुरू किया गया था। 4 महीने तक चलने वाले इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर के आदिवासी समुदाय में कोविड-19 टीकाकरण को बढ़ावा दिया गया। यह अभियान उन 20 जिलों के हर आदिवासी परिवार तक पहुंचा, जहां पर्याप्त जनजातीय आबादी है। मोर जिम्मेदारी अभियान की संयुक्त जिम्मेदारी राज्य शासन, यूनिसेफ, एकता परिषद तथा मीडिया कलेक्टिव फॉर चाइल्ड राइट की थी। 19वां पोदला उर्स्कना अभियान। पोदला उर्स्कना अभियान बस्तर संभाग के अंतर्गत सभी जिलों में वृक्षारोपण का महाअभियान है। 2021 से प्रारंभ किया गया यह अभियान का दूसरा चरण बस्तर संभाग के 7 जिलों में 28 जुलाई से 9 अगस्त 2022 तक संपन्न कराया गया। पहले चरण में कुल 11,970 वृक्ष लगाए गए थे। हरेली त्योहार के अवसर पर बस्तर रेंज पुलिस द्वारा वृक्षारोपण अभियान पोदला उर्स्कना 2022 का शुभारंभ 28 जुलाई 2022 को शासकीय महाविद्यालय छात्रावास परिसर धर्मपुरा जगदलपुर में वृक्षारोपण के साथ किया गया। 20वां टेक बैक योर प्रॉपर्टी अभियान। टेक बैक योर प्रॉपर्टी अभियान के तहत बस्तर पुलिस साइबर सेल की मदद से गुम हुए मोबाइल फोन को ढूंढकर उनके मालिकों तक पहुंचा रही है। इस प्रकार हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार की जनहितैषी योजनाओं, कल्याणकारी नीतियों तथा समग्र विकास के लक्ष्य को पूरा करने के लिए विभिन्न विभाग तथा मंत्रालयों द्वारा समय समय पर विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए समय तथा विषय आधारित अभियान चलाए जाते हैं, जिन्हें प्रशासनिक दक्षता और जनता के सहयोग से संपन्न कराया जाता है। अगली कड़ी में अन्य 20 अभियानों की चर्चा विस्तार से की जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद। Thank you.